hey everyone welcome to satyam classes tomorrow uh, sorry yesterday we have completed our article session and today we are going to complete our preposition session okay so, so let's start a video and let's do some mcqs which is related to preposition okay so here is your first question which is about preposition प्रिपोजिशन का मतलब होता है जो आपको कोई लोकेशन बताए मतलब वो कहाँ है कैसे है किस अवस्था में है ठीक है वो चीज़ जो आपको डिस्क्राइब करती है उसको कहते हैं प्रिपोजिशन मतलब स्थान बोधक अव्यय हिंदी में अव्यय हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं प्रिपोजिशन तो यहाँ आपका आज का पहला क्वेश्चन है देयर इज नो बडी डैश होम आप प्रीपोजिशन अगर कर रहे हो तो पहले आप सेंटेंस का हिंदी मीनिंग भी निकाल लिया करो उससे आपको सॉर्ट आउट करने में बहुत ही ईजी हो जाता है क्वेश्चन अगर आप क्योंकि सेंस जो होता है कभी कभी बहुत अलग अलग आता है जैसे हमने प्रिपोजिशन की पढ़ाया है तो उसमें हमने बताया है कि एट का मतलब भी पर के सेंस में आता है और ऑन का मतलब भी पर के सेंस में आता है लेकिन दोनों की कंडीशन अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से अप्लाइड होती है ठीक है point, जैसे यहाँ आपका क्वेश्चन है बैक टू द पॉइंट जैसे यहाँ आपका क्वेश्चन है देयर इज नो बडी डैश होम होम का मतलब है घर पर देर इज नो बडी एट होम हो सकता है जो पर्सन है वो खुद से बोल रहा हो, हो सकता है वो दूसरे को बता रहा हो सेंस इस बात का निकलता है कि घर पर नहीं है घर पर कोई नहीं है नो बडी का सेंस आता है कोई नहीं से घर पर कोई नहीं है तो पर का सेंस आपका एट भी है पर का सेंस आपका ऑन भी है बट यहाँ पर ऑन भी दिया है इनसाइड भी दिया है एट भी दिया है इन भी दिया है आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी जैसे मैंने पहले ही डिफाइन कर दिया कि एट और ऑन दोनों पर के सेंस में आता है इनसाइड का मतलब होता है अंदर किसी चीज के अंदर होना और इनका मतलब भी होता है अंदर ठीक है हियर इज योर आंसर एंड योर आंसर इज एट क्यों अब क्वेश्चन आता होगा कि एट का मतलब भी जब पर है और ऑन का मतलब भी जब पर है तो हम लोग ऑन यूज़ ना करके एट क्यों कर रहे हैं माइंड इट यहाँ है लोकेशन क्या है लोकेशन लोकेशन का मतलब है जब आप गूगल मैप आप आपकी भाषा में समझाते हैं जब आप गूगल मैप करते हो तो आप लोकेशन चेक करते हो ना कि किस जगह पर वह इंसान है या किस जगह पर यह स्थान है लोकेशन चेक करते हो प्लेस आता है या पर्सन आता है तो आप लोकेशन जब डिफाइन करोगे किसी चीज़ की तब आप वहाँ पर एट यूज़ करते हो क्लियर है ऑन जो होता है ये लोकेशन डिफाइन नहीं करता है करेगा भी तो ये कब करेगा उसका आपको आगे के स्लाइड्स में बताया जाएगा यहाँ के लिए लोकेशन आप यूज़ करोगे एट इसमें और कुछ नहीं करना है तो इसका फुल सेंटेंस बनेगा देयर इज नो बॉडी एट होम हेयर इज नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज माई कजिन विल अराइव डैश संडे हेयर इज य ऑप्शन ऑप्शन ए इन ऑप्शन बी एट ऑप्शन सी ओवर ऑप्शन डी ऑन What will be विल बी आंसर ही इज योर आंसर एंड द आंसर इज ऑन वाई फिर आप question put up करोगे why? यहाँ पर एड क्यों नहीं होगा ओवर क्यों नहीं होगा इन क्यों नहीं होगा वो इसलिए क्योंकि यहाँ आपको क्या दिख रहा है Sunday. संडे दिख रहा है संडे है आप एक डिफाइन एक कर चुके हो डे एक डिफाइन कर चुके हो डे मतलब एक फिक्स आपका दिन है और फिक्स डेज के लिए हमेशा हम ऑन यूज़ करते हैं यहाँ आपका जो कज़िन है माई कज़िन विल अराइव ऑन संडे ऑन का सेंस आता है आपका कब हमने पहले भी कहा आप जब क्वेश्चन पढ़िए इंग्लिश का तो आप हिंदी सेंस उसका निकाला करिए आपका हिंदी का सेंस बनता है मेरा कजिन आएगा कब संडे को मेरा कज़िन आएगा संडे को अराइव मतलब पहुंचना भी होता है रीच मतलब भी पहुंचना होता है अराइव मतलब भी पहुंचना होता है तो माय कजिन विल अराइव ऑन संडे क्लियर है ऑन इसलिए लगा है क्योंकि ये एक डिफाइंड डेट है डिफाइंड डे है ठीक है आपने यहाँ फिक्स कर दिया है कि संडे को ही आएगा कौन आ रहा है कजिन आ रहा है इस वजह से आप वहां पर ऑन यूज करोगे क्योंकि संडे आपने फिक्स करके रखा है क्लियर थर्ड क्वेश्चन है आपका आई हैव बीन वेटिंग डैश ओवर हाफ एन आवर एंड योर ऑप्शन आर फ्रॉम सेंस इन एंड फॉर व्हाट विल बी योर आंसर टाइम आप एंड द आंसर इज फॉर बिकॉज अगर आप लोगों ने टेंथ पढ़ा होगा अगर आप लोगों ने टेंथ पढ़ा होगा तो उसमें ये बताया गया है कि जब आप फिक्स टाइम बताते हो फिक्स टाइम बताओगे और जब आप क्लियर टाइम नहीं बताते हो जो टाइम फिक्स नहीं होता है जो टाइम फिक्स नहीं होगा वो आप बताओगे तो आप क्या यूज़ करते हो सीन्स आप तब यूज़ करोगे जब वहाँ पर आप सीन्स तब यूज़ करोगे जब वहाँ पर टाइमिंग फिक्स हो यहाँ पर टाइमिंग मतलब फिक्स नहीं है एन आर मतलब कब से दो बजे से तीन बजे तक तीन बजे से चार बजे तक चार बजे से पाँच बजे तक या छः बजे से सात बजे तक या सात बजे से आठ बजे तक टाइमिंग फिक्स नहीं है सब में एक घंटे का गैप है बट जब आपको ये दिया रहेगा कि मैं एक बजे से टाइमिंग फिक्स कि मैं एक बजे से दो बजे तक वेट किया यानी टाइमिंग फिक्स इसमें भी आपका एक घंटे का गैप है बट यहाँ पर कंडीशन है कि टाइमिंग फिक्स है और फॉर आप तब यूज़ करते हो जब टाइमिंग फिक्स नहीं होगी तो आप सीधा सा एक मोटो लेके चलेंगे कि जब टाइम फिक्स होगा तो आप सीन्स यूज़ करेंगे और जब टाइम फिक्स नहीं होगा तो आप फॉर यूज़ करेंगे और यहाँ पर टाइम फिक्स नहीं है माइंड इट यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर टाइम फिक्स नहीं है आई हैव बिन वेटिंग मैं वेट कर रहा हूँ ओवर हाफ एन आवर ओवर हाफ एन आवर एंड हाफ़ एन आवर लिखा है मतलब कितने बजे का टाइमिंग फिक्स नहीं आधे घंटे से तो वो वेट कर रहा है लेकिन मतलब टाइमिंग नहीं बताया ना ढाई बजे से कर रहा है साढ़े तीन बजे से कर रहा है ये नहीं बताया ना उसने जब ये मेंशन हो जाएगा यहाँ पर टाइमिंग फिक्स हो जाएगी तब आप वहाँ पर स यूज करोगे यहाँ पर आवर है अगर यहाँ पे ओ क्लाक होता अगर यहाँ पर ओवर हाफ एन आवर की जगह ना होगा आई हैव वेटिंग होता और वन ओ क्लाक लिखा होता आपको लास्ट में ही इस जगह पर आपको वन ओ क्लाक लिखा होता तब आप सिंपली सीन्स उठाकर रख देते बिना किसी झक के विदाउट एन हेजिटेशन यू विल पुट सीन्स क्लियर मतलब फिक्स टाइम के लिए पॉइंट ऑफ टाइम जब आपका आएगा तो आप सीन्स यूज करोगे जब पीरियड ऑफ टाइम आएगा तो आप फॉर यूज करोगे क्लियर है बैक मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज द एग्जामिनेशन विल बिगिन डैश मंडे एंड हियर हेयर ऑप्शन एंड द ऑप्शंस आर फ्रॉम इन एट एंड ऑन वट विल बी योर आंसर Time up. And the answer is from, अब आपके दिमाग में घूम रहा होगा कि मंडे तो यहां भी है और संडे वहां भी था जैसे हमने आपको पर 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 पढ़ाया कि संडे यहां पर भी है और वहां पर मंडे आपको शो हो रहा है तो आखिर दोनों में अंतर क्या है अंतर है अब आप देखिए वहां पर उसका कजिन संडे को आ रहा था और इसीलिए हमने कहा आप हिंदी पढ़िए आप पढ़िए इसको द एग्ज़ामिनेशन विल बिगिन डैश मंडे यानी कि आपका जो एग्ज़ामिनेशन है जो एग्ज़ाम है वो शुरू होगा यहाँ होगा अभी होगा कब से टाइमिंग पूछ रहा है ना कब से सेंस आया कब से वहाँ अराइविंग हो रही थी संडे को और यहाँ शुरू होगा मंडे से द एग्ज़ामिनेशन विल बिगिन फ्रॉम मंडे एंड योर करेक्ट ऑप्शन इज फ्रॉम यानी ऑप्शन ए यहीं पे लोग धोखा खा जाते हैं इसीलिए कहा जाता है कि आप हिंदी सेंस भी निकाला करिए क्योंकि कभी कभी हिंदी सेंस के साथ ही प्रिपोजिशंस चेंज होते हैं वो अपने प्लेसिस को चेंज करते हैं क्लियर है जैसे हमने एट और का बताया ठीक उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी करना है थोड़ा सा ट्रिक ही था पर मज़ेदार था आई होप अच्छा लगा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन फ्लाइट विल लैंड डैश सिक्स दिस इवनिंग क्वेश्चन एंड ऑप्शन आंसर टाइम अप एंड द आंसर इज ऑन क्यू द फ्लाइट विल लैंड सिक्स दिस इवनिंग अब आप पूछोगे कि यहाँ पर ऑन क्यों लगेगा एट क्यों नहीं होगा या अपॉन क्यों नहीं होगा इन क्यों नहीं होगा वो इसलिए क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हो इवनिंग लिखा है और टाइमिंग क्या है फिक्स है टाइमिंग आपकी फिक्स है और फिक्स टाइमिंग के लिए हमेशा ऑन यूज़ होता है जैसे मान लीजिए अगर लिखा हो कि मैं इस काम को सुबह करूँगा ठीक है सुबह फिक्स है तो आप उसको इन द मॉर्निंग कर लिए अब यहाँ समझिएगा इन द मॉर्निंग कर लिए अब आप कहोगे तो यहाँ इन क्यों नहीं लगा क्योंकि यहाँ पे सिक्स लिखा हुआ है अगर यहाँ पर भी आ, कोई काउंटेबल नंबर दिया होता तो आप वहाँ पर ऑन यूज़ कर सकते हो बट अगर यहाँ पर सिर्फ मॉर्निंग इवनिंग या आफ्टरनून या फिर नाइट लिखा है आप सिर्फ नाइट के लिए एट यूज़ करते हो बट आप बोलते सी यू एट नाइट बट बोलते सी यू इन द मॉर्निंग आप नाइट के लिए प्रिपोजिशन यूज करते हो ना कि और किसी टाइमिंग के लिए क्लियर है अगर आप इन इन द मॉर्निंग कहोगे तो आप इन द इवनिंग भी बोल सकते हो इन द इवनिंग बोल सकते हो बट यहाँ पर आपको सिक्स मेंशन किया गया है आपको दिख रहा होगा कि वहाँ टाइमिंग बताई जा रही है कि छः बजे जो फ़्लाइट है शाम के छः बजे वो लैंड करेगी यानी शाम के छः बजे की आपको टाइमिंग बताई जा रही है इस वजह से टाइमिंग के लिए आप ऑन यूज़ करोगे अगर यहाँ सिर्फ इवनिंग होता ये सिक्स नहीं दिया होता तो अब आप यहाँ पर इन यूज़ करते बट यहाँ पर सिक्स मैंशनड है इस वजह से आप ऑन यूज़ करोगे क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ईजी है बस थोड़ा सा घुमाएगा आपको थोड़ा ध्यान दीजिएगा शी इज वेरी गुड डैश मेकिंग स्टोरीज टैलेंट है अच्छी बात है कहानियाँ बनाने में अच्छी है आपको कुछ मिला अभी हमने कुछ कहा आपको कुछ पकड़ में आया हमने क्या कहा नहीं बताते हैं यहां पर हिंदी सेंस निकालिएगा शी इज वेरी गुड मेकिंग स्टोरीज वह कहानियां बनाने में कहानियां बनाने में अच्छी है क्लियर है आपके ऑप्शंस हैं इन अबाउट एट एंड फॉर वॉट विल बी योर आंसर हमने हिंदी बता दिया बहुत लोग उठा के ए और सी लिखेंगे देखते हैं किसका आंसर सही है जितने लोगों ने भी एट आंसर किया होगा वो सही है अब आप पूछोगे कि मैम यहां एट क्यों होगा वो तो पर के सेंस में आता है बिल्कुल आता है अबाउट आता है आपके के बारे में अब आता है के लिए इन आता है मे के सेंस में तो वो तो अच्छी है ना कहानियां बनाने में अब आपको कहानियाँ बनाने में अच्छी है तो यहाँ पर का सेंस क्यों आया है तो इसलिए क्योंकि टैलेंट की बात हो रही है किस चीज़ की बात हो रही है टैलेंट की जब आप किसी चीज़ में अच्छे हो गए और किसी चीज़ में बुरे हो गए तब आप वहाँ पर एट यूज़ करते हो जैसे आप पूछते हो इन विस थिंग यू आर गुड एट मतलब तुम किस चीज में अच्छे हो सेंस आया इन विस्थिंग यू आर नॉट गुड एट मतलब अगर आपको यहाँ दिया जाए कि ही इज गुड एट प्लेइंग फुटबॉल प्लेइंग फुटबॉल क्रिकेट कुछ भी लिख दीजिए फुटबॉल तो आप क्या लिखोगे at आया यानी वह फुटबॉल खेलने में अच्छा है ठीक उसी तरह वह कहानियाँ बनाने में अच्छी है जब टैलेंट की बात होगी आप सीधा उठा के रख देंगे ऐड क्योंकि टैलेंट सेंस आया आपको तुरंत ऐड रख दीजिए जहाँ आपको टैलेंट दिखे वो अच्छा है बुरा है डिजेंट मैटर आप सीधा उठा कर रखोगे ऐट प्रीपोजिशन। आप सोने में अच्छे हो वैसे एक तरह का नेगेटिव सेंस आता है बैड हो घर वालों के लिए तो भी आप ऐट ही यूज़ करोगे अगर आप किसी चीज़ में अच्छे हो तो भी एट आप किसी चीज़ में बुरे हो तो भी एट ये एक फिक्स प्रिपोजिशन है कुछ प्रिपोजिशंस ऐसे हैं जो फिक्स्ड हैं उनको कभी भी किसी भी केस में चेंज नहीं किया जाएगा ठीक उसी तरह जैसे लोकेशन की बात हुई थी तो लोकेशन के लिए हमने बताया था एट होता है ठीक उसी तरह टैलेंट के लिए भी एट ही यूज होता है क्लियर फिर आपका सेवेंथ क्वेश्चन uh, uh, है She is kind even डैस स्ट्रेंजर्स आप लोगों ने ये बहुत सुना होगा अगर आप लोग रेगुलर इंग्लिश में बात करते होंगे अपने दोस्तों से या फिर अपने कोलीग्स वगैरह से तो आपको पता होगा कि कौन सा प्रीपोजिशन कहाँ यूज़ होता है बहुत लोग प्रीपोजिशंस यूज़ तो करते हैं लेकिन उनके पीछे का पॉइंट उनको नहीं पता होता वही चीज़ यहाँ पर थी इन आप यूज़ कर दोगे क्योंकि मे का सेंस दे रहा है एट आप यूज़ नहीं करोगे क्योंकि पर का सेंस दे रहा है बट आप पॉइंट मिस क्या करते हो टैलेंट और जब भी टैलेंट की बात होगी तो वहां पर ऐट होगा क्योंकि आप टैलेंटेड हो नहीं हो अच्छे टे, किसी टैलेंट में आप अच्छे हो बुरे हो अगर आप कुछ पॉजिटिव चीज़ें करते हो तो आप अच्छे हो आप नेगेटिव चीजें करते हो आप बुरे हो मतलब टैलेंट होना चाहिए वो अच्छा बुरा कुछ भी हो वहां पर ऐट होगा ठीक है मतलब बुरा टैलेंट नहीं होना चाहिए कहने का मतलब ये है She is kind. Back to the point. She is kind even strangers. बीच में डैश है अब मतलब इसका हिंदी क्या निकलता है वह दयालु है वह दयालु है अजनबियों के प्रति भी इवन लग गया यानी कि भी उस पर जोर दे रहा है मतलब उस पर फोर्स कर रहा है कि वो जो अजनबी है जिनको नहीं भी जानती है उनके लिए भी वह दयालु है ठीक आप है आपके ऑप्शंस हैं ऑफ At 2 and 4 what will be your answer? Time up. And the answer is टू अब आप कहोगे कि यहाँ पर टू क्यों होगा बिल्कुल सीधा सा पॉइंट उठेगा सबके मन में क्वेश्चन आते हैं आप हिंदी में इसको ट्रांसलेट करोगे अनुवाद करोगे तो आप लिखोगे शी ए, हिंदी में आपका होगा पहले इंग्लिश पढ़ते हैं शी इज काइंड इवेन Strangers, वह दयालु है अजनबियों के लिए भी हिंदी में सीन्स आया के लिए भी लेकिन टू का सीन्स क्यों होगा यहां पर अगर आप इसको पढ़ोगे शी इज काइंड इवे टू स्ट्रेंजर्स टू भी के, के, के लिए के सेंस में आता है अब जो ये काइंड है ये एक तरह का उसका इमोशन है जब आप क्रूल होगा कोई या फिर काइंड होगा तो वहाँ पर एक ही प्रिपोजिशन आता है वो है टू एक तरह का इमोशन है ये ठीक है एक तरह का इमोशन बट इमोशन होने के बावजूद यहाँ पर इसका प्रिपोजिशन जो है वो फिक्स है आपको कल की क्लास में पढ़ाया गया है आप इमोशन के साथ कभी भी आर्टिकल यूज नहीं करते हो लेकिन इमोशन के साथ आप प्रिपोजिशन यूज़ कर सकते हो ना जैसे आपको बताते हैं जैसे आपको लिखा हो एम जेलस ऑफ हिम आप ऐसे अपने पे ही सेंस लेके पढ़ो जरूरी नहीं है दूसरे पे पढ़ो आप जैसे करते हो आई एम जेलस ऑफ हिम तो जो जेलसी है एक तरह का इमोशन है ठीक है उसके साथ एक फिक्स प्रशन चलता है वो है ऑफ क्लियर है जैसे शी इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवल वो नॉवल पढ़ने की शौकीन है ठीक है तो शौकीन है वो भी उसका इमोशन है उसको शौक है पढ़ने का इमोशन है उसके साथ भी आप ऑफ यूज करोगे आप जब इमोशंस के साथ आते हो तो आप सीधा सा समझो कि जब आप काइंड और क्रूल के सेंस की बात करोगे तो आप टू लगाओगे अगर कोई जेलस ऑफ या फ्ड ऑफ जैसे आपको फिक्स प्रिपोजिशन मिलता है तो आप फॉन्ड ऑफ और जेलस के साथ ऑफ यूज करते हो क्लियर है तो इसका आपका होगा कि वह अजनबियों के प्रति भी या के लिए भी वह दयालु है ठीक है मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ पे आपका आता है थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन तो ये आपका क्वेश्चन क्या है सी शी कैन नॉट डिनाई हर फॉन्डनेस डैश आइसक्रीम सेंस समझ में आ गया होगा हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं वह नकार नहीं सकती है अपने आइसक्रीम खाने की इच्छा को ठीक है या शौकीनता को आप इच्छा समझ लीजिए तो आपके ऑप्शंस हैं ऑफ फॉर विद एंड अबाउट क्या होगा अभी जस्ट हमने आपको पीछे बताया है उसके जस्ट बाद ये क्वेश्चन है थोड़ा सा सेंस यूज करेंगे आप इसका आंसर बता देंगे एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ गो फॉर इट हर आप टाइम आप सॉरी एंड योर आंसर इज फॉर क्यों जब आपको हमने पिछली स्लाइड में बताया कि जब आपके लिए कुछ प्रिपोजिशन फिक्स होते हैं जैसे जेलस के लिए भी ऑफ लगेगा और फोन के लिए भी ऑफ लगेगा ठीक उसी तरह यहाँ पर आपको बताया गया है फोंडनेस, फोंड fond का सेंस आ रहा है आपको फोंड मिल गया बस यहाँ पर ऐड क्या हुआ है नेस तो जब फॉन्ड के लिए आप ऑफ यूज करते हो एज अ प्रिपोजिशन जो कि फ़िक्स्ड प्रिपोजिशन है तो जब आपको फॉन्डनेस वर्ड कहीं मिल जाएगा तो आप सिंपली फॉर यूज़ करोगे के लिए का सेंस आएगा और यहाँ पर का का सेंस आएगा क्लियर मतलब आप हिंदी में ट्रांसलेट करो वह नकार नहीं सकती है आइसक्रीम के लिए अपने शौक को ठीक है के लिए आया ना आइसक्रीम के लिए अपने शौक को ठीक है तो आप फॉन्डनेस के साथ जो फिक्स उसका चलता है वो है फॉर प्रिपोजिशन क्लियर है मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ ये बचपन से पढ़ा हुआ क्वेश्चन है सबने किया होगा आई एम श्योर तो इसको देखते हैं ये क्वेश्चन में आखिर बचपन में सबने किया है तो किसने सही किया और किसने गलत किया है क्वेश्चन पढ़ते हैं द कैट जम्प्ट डैश द टेबल एंड यो ऑप्शन आर ऑन एट अपॉन एंड नन टाइम स्टार्ट नाउ टाइम अप एंड आंसर इज अपॉन अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि अरे बचपन में तो ऑन लिखा था तो यहाँ अपॉन क्यों आ रहा है यहाँ थोड़ा सा समझिएगा बिल्ली जो है हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं बिल्ली कूदी कहाँ टेबल पर बिल्ली कूदी टेबल पर तो जब कूद रही है तो वो मोशन आ रहा है गति कर रही है उसकी स्पीड जा रही है मान लीजिए यहाँ बिल्ली है यहाँ टेबल है यहाँ से कूदी कूद गई तो जब कूद के जाएगी तो थोड़ी मेहनत कर रही है ना तो जब मेहनत कर रही है तो वहां पे स्पीड आ रही है या आप कह सकते हैं मोशन ना हो रहा है वहां पर या हिंदी में आप दोनों कहिए गति हो रही है जब आप एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हो तो गति करते हो पढ़ा हुआ है सबने पढ़ा है तो यहाँ पे तो वो डबल एफर्ट कर रही है आप पैदल जाओगे तो भी और आप कूद के जाओगे तो भी आप वहाँ मोशन कर रहे हो स्पीड आपकी लग रही है अब आप धीरे चलो फास्ट चलो तेज से कूदो या धीरे से कूदो हुई तो गति ही क्लियर हुआ अगर आप लिख दोगे कि द कैट जम्प्ड ऑन द टेबल तो बिल्ली कूदेगी कैसे वो तो स्थिति उसकी एकदम पॉज में है मतलब ये कब होगा जब कोई स्थिति पॉज में होगी वहां से वो हिले डुलेगी नहीं बस शांत एकदम विस्थापित बैठी होगी मतलब वहां पर कुछ भी मूवमेंट नहीं होगी वो चीज़ स्थिर होगी अब जैसे बिल्ली कूदी कहाँ टेबल पर तो अपॉन इसलिए क्योंकि ये मोशन दिखा रहा है कि उसने मेहनत की है और वो बैठी हुई होती अगर होता द कैट सिट द कैट इज सिट ऑन द टेबल तो आप वहाँ पर लिखते ऑन क्योंकि बैठी हुई है कौन सी मेहनत कर रही है बैठने में कौन सा मेहनत लगता है या कौन सा मोशन लगता है ठीक है तो सीधा सा आपका मोटो निकलता है अगर किसी सेंटेंस में आपको मोशन का सेंस मिलेगा तो आप वहां पर अपॉन यूज करोगे ठीक है लेकिन अगर बात सतह की हो रही होगी तो ऑन आपका यूज होता है सतह के लिए इतना आप ध्यान दीजिएगा क्लियर है एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट विल टेक थ्री हावर्स टू वॉक डैश द फॉरेस्ट एंड हियर योर ऑप्शन ओ हो इतने बड़े बड़े ऑप्शन इन टू बिटवीन थ्रो एंड अक्रॉस जितना बड़ा क्वेश्चन उतने ही ज्यादा डरावने ऑप्शन ठीक है what will be your answer time up and your answer is throw ab yahan par samjhiye it will take 3 hours to walk through the forest matlab जंगल में से जाने में में से जाने में में से जाने में में से जाने में कितने घंटे लगेंगे तीन अब आप कहोगे कि ये तीनों क्यों नहीं होगा क्योंकि इंटू जब भी आप यूज़ करते हो तो ये जैसे हमने अपॉन का सेंस बताया वैसे ही इंटू भी मोशन या स्पीड के लिए मेंशन किया जाता है अगर इन होगा मतलब वो चीज़ मूवमेंट नहीं कर रही है कुछ भी हिल डुल नहीं रही है वो स्थिर है ठीक है अगर मूवमेंट हुई तो यानी मोशन है और वहाँ इंटू या अपॉन यूज करेंगे बट वहाँ देखना है कि वो सेंस क्या निकल रहा है उस क्वेश्चन का अगर इन और ऑन मिल जाएगा यानी वो चीज़ स्थित है उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही अगर मूवमेंट हुई तो अपॉन और इनटू बट आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा और अगर मूवमेंट नहीं हुई तो इन और ऑन वहाँ भी कहीं कंडीशन अप्लाइड होती है आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा क्लियर है बिटवीन क्यों नहीं होगा जंगल से बीच की बात नहीं कर रहा है जंगल में से जाने की बात हो रही है और अक्रॉस का मतलब होता है किनारा अगर वो जंगल के किनारे से जाने की बात करता तो आप अक्रॉस लगाते बट इट विल टेक थ्री हार्स टू वॉक थ्रू द फॉरेस्ट मतलब जंगल में से जाने में तीन घंटे लगेंगे ना कि जंगल के बीच में जाने में तीन घंटे लगेंगे ना कि जंगल के किनारे जाने में तीन घंटे लगेंगे सेंस आ रहा है आप हिंदी में जब उसका सेंस निकालोगे तो आपके लिए बहुत ही इजी सॉर्ट आउट करना हो जाएगा आप बहुत इजीली उसको सॉर्ट आउट कर ले जाओगे क्लियर है अब आपको अक्रॉस का एक सेंटेंस हम बता ही देते हैं लगे हाथ जैसे मान लीजिए कोई आपको मिल गया कि ही इज बिटवीन का भी आपको हम एक सेंटेंस बता देंगे इंटू का हमने बता दिया मान लीजिए इंटू का है कि आ, हमने बताया था ही वेंट इंटू द रूम अगर किसी ने प्रीपोजिशन की क्लास ली होगी तो उसमें उसको क्लियर होगा कि अगर आप इंटरड वर्ड यूज़ करोगे इंटर तो इंटर के साथ कोई प्रिपोजिशन नहीं लगता है आप इंटू यूज़ नहीं करोगे जब आप इंटर वर्ड मेंशन करोगे सेंटेंस में आप इंटू तब यूज़ करोगे जब आप वहां पर वेंट जैसा वर्ड यूज़ करोगे कि ही वेंट टू द रूम ही वेंट इन टू द रूम तो आप वहाँ पर इंटू यूज़ करोगे बट एक कंडीशन वहाँ और थी कि जब डाटा आप ट्रांसफ़र करते हो फ़ोन टू फ़ोन या लैपटॉप टू लैपटॉप या डेस्कटॉप टू डेस्कटॉप तब आप वहाँ पर इंटू यूज़ करते हो किसी पर्सन के लिए आप जब इंट्री वर्ड लगा दोगे तो वहाँ पर इंटू यूज़ नहीं होगा बिटवीन कब यूज़ होता है जब दो लोगों के बीच में कोई रिश्ता या कोई चीज़ बताई जाती है जैसे मान लीजिए कोई रिश्ता बता रहे हो तो द रिलेशन बिटवीन अस इज द मतलब हम दोनों के बीच जो रिश्ता है वो है अब आप इस हो आप सिबलिंग हो आप फ्रेंड्स हो आप इनमीज़ हो आप जो भी हो आप उस चीज़ को डिफाइन करोगे अगर किसी को इस वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो इस वर्ड को सिंपली कहते हैं कपल्स यानी कि जोड़ा या हस्बैंड वाइफ क्लियर हो गया कपल का मतलब हमको पता है आप लोग कहाँ का सेंस लगा रहे होंगे तो कपल हस्बैंड वाइफ को भी बोला जाता है तो द रिलेशन बिटवीन अस अगर आप किसी के बीच में संबंध बता रहे हो अपने या किसी के बीच में तब आप वहाँ पर बिटवीन यूज़ करते हो थ्रो बताया जा रहा है मतलब जंगल में से जाने की बात हो रही है इस वजह से आपका सेंटेंस होगा इट विल टेक थ्री आवर्स टू वॉक थ्रू द फॉरेस्ट मतलब जंगल में से जाने में तीन घंटे लगेंगे क्लियर है अब आप आपका बच गया अक्रॉस किनारा किनारा का मतलब होता है थ्रो का मतलब होता है सीधी भाषा में समझिए मान लीजिए ये बेलन है बेलन के ये जो आप लोग दो डंडा पकड़ते हैं ना जब बेलन के दो किनारे पकड़ते हैं तो ये डंडा बीच में से गया होता है गया होता है ना तो ये बीच में से गया मे से वर्ड आ रहा है मे से इसलिए थ्रो यूज होगा बट जब आप कोई नदी क्रॉस करते हो तो आप ऐसे ऊपर से जाते हो ना कि अंदर अंदर से उसके नीचे से निकल जाते हो कि यहाँ से मिट्टी में घुसे और वहाँ मिट्टी से निकल गए ऐसे नहीं जाते हो ऐसे नहीं जाते हो ना आप स्विम करके जाते हो या बाय बोट जाते हो ऐसे जाते हो तो जब आप एक किनारे से एक किनारे जो दिख रहा होगा जो यहाँ पे सेंस एक लाई है आप कि जो दिख रहा होगा वो अक्रॉस के सेंस में आता है तो मान लीजिए जैसे आपका क्वेश्चन है एक ऑप्शन है कि ही इज़ वेटिंग फॉर मी ही इज़ यहां पर लिख देते हैं ही इज हैंडराइटिंग बहुत खराब है सुधार लेंगे ही इज वेटिंग फॉर मी अक्रॉस द रोड अक्रॉस द रोड ठीक है द रोड अब मतलब वो वेट कर रहा होगा कहां सड़क के किनारे किनारा हमने पहले बताया क्रॉस मतलब किनारा तो ही इज़ वेट अब सड़क के बीच में तो करेगा नहीं किसी का वेट किसी का दिमाग तो खराब है नहीं तो ही इज़ वेटिंग फॉर मी अक्रॉस द रोड मतलब वो सड़क के किनारे इंतज़ार कर रहा है मेरा ठीक है अगर वो सड़क में से नहीं ना कर रहा है अगर वहाँ पे आप थ्रो लगा देते तो सेंटेंस ही उलट पलट हो जाता कि ही इज़ वेटिंग फॉर मी थ्रो द रोड ऐसा नहीं ना बनाओगे किनारे की बात हो रही है बीच में तो कोई नहीं जा रहा है इस वजह से वहां पे अक्रॉस होता है जब आप नदी पार करते हो तो भी आप वहां पर अक्रॉस यूज करोगे क्लियर हो गया अगर आप किसी बीच में से जाओगे मतलब एकदम एंट्री मतलब उसमें जा ही रहे हो उसके अंदर हो तो आप वहां पर थ्रो यूज करते हो अगर आप किसी के बाई साइड हो तो आप अक्रॉस यूज करते हो और वैसे बिसाइड पर्सन क्या होता है कि आई एम ऑलवेज बिसाइड यू मतलब मैं तुम्हारे बगल में हूं ठीक है दोनों में अंतर है फिर यहां पर आपका ट्रिकी क्वेश्चन है अब ये ट्रिकी क्यों है अभी आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन है अ ग्रीडी मैन कैन नॉट पार्ट डैश हिज मनी आपके ऑप्शंस हैं ऑफ फॉर एट एंड विद व्हाट विल बी योर आंसर टाइम अप एंड योर आंसर इज विथ क्यों वो इसलिए सेंस निकालिए हिंदी में एक लालची व्यक्ति कभी नहीं हो सकता अपनी प, अपने पैसे से एक लालची व्यक्ति कभी अलग नहीं हो सकता कैन नॉट पार्ट आपने सुना होगा पार्ट अ पार्ट वर्ड आप लोगों ने सुने होंगे वी कैन बी अ पार्ट ठीक है तो यही सेंस यहाँ पर आता है थोड़े से घुमा के कि अ ग्रीडी मैन कैन नॉट कैन नॉट अपार्ट डैश हिज मनी ध्यान दीजिए यहां पर बात किस चीज से हो रही है पैसों से यहां बात हो रही है पैसों से जब बात किसी नॉन लिविंग ये मान लीजिए एक तरह की नॉन लिविंग थिंग है ठीक है पैसा चलता फिरता तो है नहीं एक लालची व्यक्ति अलग नहीं हो सकता अपने पैसों से अब आप कहोगे क्यों विद लग रहा है और ऑफ़ क्यों नहीं कैन नॉट पार्ट ऑफ हिज मनी पैसों से क्यों नहीं पैसों के विद का मतलब कि साथ हो भी जाता है ना लेकिन आपने पढ़ा होगा कि जब आप किसी पर्सन से झगड़ा करते हो मान लीजिए आप लोग कपल हो और आपकी एक दूसरे से लड़ाई हो गई ठीक है तो आप वहाँ पर क्या करते हो आई एम एंग्री विद यू मैं तुमसे नाराज हूँ आई डोंट वॉन्ट अ फाइट विद यू मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता आप लड़के हो लड़कियां भी कह सकती हैं तो वहाँ पे जब आप पर्सन की बात कर रहे हो तो आप वहाँ पे विद लगाते हो ठीक है बट यहाँ पे एक पॉजिटिव केस चल रहा है आप वो पर्सन आप जो है आप उसके लिए पॉजिटिव हो जब आप किसी रिलेशन में हो तो उसके लिए पजेसिव हो गए तो वहाँ पर आप विद यूज़ करते हो जैसे हमने पढ़ाया है आर्टिकल में कि जब आप किसी पर्सन से झगड़ा करोगे तो वहाँ विद लगेगा और जब आप किसी बात पर झगड़ा करोगे किसी बात पे कोई बात होगी तो वहाँ पर मैटर के साथ एट लगाते हैं पर्सन के साथ विद और मैटर के साथ एट लगाते हैं क्लियर है लेकिन यहाँ बात किस चीज़ की हो रही है पैसों की तो पैसे का सेंस यहाँ पर आता है आपका तो इसको सिंपल भाषा में समझते हैं सिंपल समझिए जब यहाँ पर पार्ट की बात हो रही है अलग होने की बात हो रही है मतलब जो लालची व्यक्ति है वो अपने पैसों से अलग नहीं हो सकता यही बात हो रही है ना? तो जब वहाँ पर पैसों की बात हो रही है, और जब पैसों की बात हो रही है तो आप इतना समझिए कि जब आप किसी पर्सन से अलग होने की बात करोगे जब आप किसी पर्सन से अलग होने की बात करोगे तो आप फ्रॉम यूज़ करोगे लेकिन जब आप पैसों की बात कर रहे हो अट्स की बात कर रहे हो तो आप वहाँ पर विद यूज करोगे पर्सन जैसे अगर आप किसी आदमी से अलग हो गए ठीक है अगर आप किसी इंसान से अलग हो गए पार्टेड हो गए मान लीजिए कोई कपल है उनका डाइवोर्स हो गया या कोई स्पाउस है उनका डाइवोर्स हो गया या कोई कपल है उनका ब्रेकअप हो गया तो पार्टेड फ्रॉम होता है ठीक है पार्टेड फ्रॉम होता है बट यहाँ पर मनी की बात हो रही है पैसों से अलग हो रहा है मैटर है एक तरह का बात हो रही है तो वहाँ पर यूज़ होगा जब आप सीधा सा मैटर समझिए कि यहाँ पर वो क्रिया कर रहा है वर्ब की फॉर्म चल रही है और वर्ब की फॉर्म अगर आप किसी पर्सन से अलग होकर कर रहे हो आप अलग हो रहे हो आप एक क्रिया कर रहे हो ठीक है तो आप वहां पर फ्रॉम यूज़ करते हो बट अगर आप किसी मैटर किसी मैटर मान लीजिए मनी आपका असेट है तो आप वहां से अलग होना नहीं चाहते या अलग हो रहे हो तो आप विद यूज़ करोगे पर्सन के लिए फ्रॉम और किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए आप सीधा सा समझिए आप विद यूज़ करोगे मतलब एक लालची व्यक्ति अलग नहीं हो सकता है अपने पैसों से या अपने पैसों के मतलब अपने पैसों के साथ तो के साथ का सेंस सुटेबल नहीं है तो अपने पैसों से मान लीजिए अगर यहाँ होता कि दिस इज द चैप्टर of of this 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 is the chapter of this, this chapter sorry थोड़ा सा सेंटेंस कुछ और लिखना था चल कुछ और है। हाँ मान कि कोई मिल जाता है आपको कि यह जो चैप्टर है यह इस किताब का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है या ये जो रिंग है ये मेरे ज्वेलरी बॉक्स का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है मान लीजिए आपके पास कोई रिंग है ठीक है कोई रिंग है और आपके पास एक बड़ा सा ज्वेलरी बॉक्स है आप आपका ये सेट हो गया ठीक है आपका एसेट सेट आपकी संपत्ति है आपका ज्वेलरी बॉक्स तो ये जो रिंग है ये आपके ज्वेलरी बॉक्स का एक इ आपका हिस्सा है ठीक है तो जब आप ये यूज़ करोगे तो आप पार्ट ऑफ लिखते हो मतलब हिस्सा है पार्ट ऑफ यहाँ पर बात हो रही है असेट की मतलब मैटर की बस यही थोड़ा सा चेंज है ठीक है यहाँ बात अलग होने से है और यहाँ बात हिस्से से है और यहाँ बात हिस्से की इस क्वेश्चन में ना होकर अलग होने के कारण हो रही है तो आप ये बताइए जिसको पैसे का मोह होगा क्या वो पैसों का पीछा छोड़ेगा कभी नहीं अगर किसी आ, सीधी सी भाषा में समझिए अगर आपको पैसों का शौक है तो आप पैसों का कभी भी साथ नहीं छोड़ोगे डजेंट मैटर कि भूचाल आ जाए आप पैसों से कभी अलग नहीं होगे तो अलग नहीं होना चाहता है किससे विद हिज मनी आपने वो, आपका है वो पैसा या उसी का है वो पैसा आप किसी पैसे की कि अगर आपको लालच है वो किसी का भी आप उस चीज़ से अलग नहीं होना चाहते हो कितना पाओगे कितना हड़प लोगे इन अ नेगेटिव वे लेकिन अगर आप उसको अपने से ही मेहनत से कमा रहे हो फिर भी आप उससे अलग नहीं होना चाहते क्योंकि वो आपकी मेहनत की कमाई है क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट आगे देखते हैं तो आपका आंसर होगा विद अ ग्रीडी मैन कैन नॉट पार्ट विदेश मनी एक लालची व्यक्ति कभी भी अपने पैसों से अलग नहीं हो सकता नेक्स्ट क्वेश्चन भी ज्यादातर लोगों ने बचपन में किया है बहुत जिसने भी का पेपर दिया होगा उस सब ने किया है एम श्योर sure. तो देखते हैं इसमें किसका ऑप्शन आप सोच रहे होंगे अगर नंबर किसी का कटा होगा तो सोच रहे होंगे अरे मैंने तो सही लगाया था तो कट क्यों गया तो देखते हैं किसके नंबर कटे और किसके बचे तो आपके ऑप्शन हैं पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं द डॉग रैन द थीफ कुत्ता दौड़ा चोर के बीच में क्या है देखते हैं फाइंड आउट करना है हमें तो आपके ऑप्शन हैं बिहाइंड ऑन आफ्टर नन टाइम स्टार्ट नाउ टाइम अप एंड योर आंसर इज आफ्टर अब आप कहोगे कि बिहाइंड क्यों नहीं दौड़ा तो चोर के पीछे एग्जैक्टली चोर के पीछे दौड़ेगा चोर पर तो दौड़ेगा नहीं ऑन तो होगा नहीं अब जो खेल खेला खेलना है वो है बिहाइंड और आफ्टर के बीच में आप लोगों ने बचपन से पढ़ा है वही द कैट अपॉन वा, टेबल वाली स्टोरी है सेम वही कट कॉपी पेस्ट है बस थोड़ा सा घुमाकर जैसे वहां पर था द कैट जम्प्ट अपॉन द टेबल मतलब मोशन मोशन ठीक है वहां मेहनत की यहाँ भी तो कुत्ता दौड़ रहा है तो रन कर रहा है मेहनत कर रहा है यानी यहाँ भी क्या हो रहा है मोशन जब भी मोशन होगा दौड़ने भागने के केस में हमने कहा है जब भी मोशन की बात होगी तो अगर जो इन आ, इन और इनटू और ऑन और अपॉन वाला केस होगा तो आप मोशन को पहले फाइंड आउट करोगे कि मोशन है या नहीं मोशन नहीं है तो इन या ऑन मोशन है तो आप लगाओगे अपॉन या इंट ठीक है वही चीज यहां है द डॉग रैन आफ्टर द थीफ मतलब कुत्ता पीछे दौड़ा चोर चोर के मतलब सीधी भाषा में पढ़ते हैं मतलब कुत्ता चोर के पीछे दौड़ा तो बिहाइंड इसलिए क्योंकि स्थिति जो है कुत्ते की वो मोशन के फेज में है ना कि बैठी हुई नम शांत स्वभाव में नहीं बैठा है कि चोर भाग रहा है तो हम बैठे रहें नहीं दौड़ रहा है मोशन कर रहा है इस वजह से वहां पर आफ्टर यूज होगा मोशन है इस वजह से आफ्टर यूज कर रहा है अगर यहाँ कुत्ता कोई क्रिया नहीं करता तो आप वहाँ पर बिहाइंड यूज करते क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए आपका क्वेश्चन है हिज हाउस इज डैश द पोस्ट ऑफिस एंड हियर इज यहाइंड इन टू नन विल बी योर आंसर टाइम अप एंड योर आंसर इज बिहाइंड अब आप कहोगे कि यहाँ बिहाइंड क्यों है अगर जिसको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा वो तुरंत इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया होगा क्यों क्योंकि घर जो है वो पोस्ट ऑफिस के पीछे है ना घर दौड़ेगा घर कोई मोशन करेगा नहीं ना घर यहाँ कोई मोशन करेगा तो बचा क्या इनटू घर कहीं कूदेगा या कर, घर कहीं दौड़ेगा दोनों नहीं हैं दोनों में मोशन आना चाहिए और दोनों में आपको यहाँ मोशन नहीं मिल रहा है तो क्या होगा एक घर जो होता है वो उसकी स्थिति वहीं रहती वो जैसे कहते हैं भूकंप भी आ जाता है तो वहीं ढहता है जहाँ वो रहता है भागता नहीं है इंसानों की तरह ठीक है उसकी स्थिति वहीं पे होती है तो जब स्थिति जो आपकी होगी वो एकदम नॉन मोशन के उसमें फेज में होगी तो आप वहाँ पर बिहाइंड यूज करोगे क्लियर है जैसे हमने कहा यहाँ पर कि कुत्ता बिहाइंड क्यों नहीं यूज होगा क्योंकि कुत्ता दौड़ रहा है मोशन कर रहा है रैन दौड़ रहा है मोशन कर, मोशन कर रहा है इस वजह से वहां आफ्टर यूज हुआ है बट यहां पर घर कोई क्रिया नहीं कर रहा है कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है इस वजह से वहां पर बिहाइंड यूज होगा सुस्त चीज है ना ठीक है आगे देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखिए जो हमने पहले आपको क्लियर कर दिया आगे क्वेश्चन हमने सेम वही रखे हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए कॉन्सेप्ट हमने सब पहले बता दिया है उसके बाद ताकि आपको कुछ जो बाहर बाद के क्वेश्चन हो उनको करने में आपको दिक्कत ना हो तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दे जम्प्ट थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर पढ़ेंगे तो तुरंत आप प्रिपोजिशन सेटल कर देंगे सारे सेंटेंसेस के साथ दे जम्प्ट डैश द वॉटर इज द ऑप्शन इन गो अगेन एंड योर आंसर इज इंटू बिल्कुल अगर किसी ने आंसर किया है मोशन की वजह से इंटू होगा तो वेरी गुड आपने बहुत सही आंसर किया है इंटू क्योंकि वाटर है उसमें छलांग मार रहा है तो इंटू दे जम्पड इंटू द वॉटर इन वहाँ पर मोशन क्रिएट हो रहा है इस वजह से वहाँ पर इंटू करेंगे ठीक है नेक्स्ट टू द बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी पढ़ाने में दिक्कत हो जाती है मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आर एडिक्टेड डैश कॉफी बात यहाँ पर किसकी हो रही है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की हो रही है जो कॉफ़ी के होते हैं क्या एडिक्टेड होते हैं बिल्कुल तो आपके ऑप्शन हैं विद ऑफ बाई टू हमने कहा कॉफ़ी के होते हैं कॉफ़ी के अगर किसी ने हिंदी ध्यान से सुनी होगी तो ज़्यादातर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो होते हैं छात्र होते हैं वो एडिक्टेड होते हैं कॉफ़ी के अच्छा ये बताइए एडिक्टेड का हिंदी क्या होता है लत होता है एक सेकेंड लत होता है एडिक्टेड को हिंदी में लत कहते हैं एडिक्शन को लत कहते हैं और एडिक्टेड होना मतलब उस चीज़ का आदि होना एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उस चीज़ को आदि होना कहते हैं ठीक है एडिक्शन का मतलब होता है लत लत ठीक है तो इसके साथ आपका एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन चलता है और वो होगा क्या वो होगा आपका टू जैसे हमने पहले बताया कि जैसे फॉन्ड ऑफ चलता है फिक्स्ड प्रोपोजिशन है जेलस ऑफ चलता है फिक्स्ड प्रोपोजिशन है उसी तरह यहाँ पर लत की बात हो रही है बट जब वहाँ पर हैबिट हैबिट की बात होगी यानी कि आदत की बात होगी आदत और लत में अंतर होता है आदत और लत में अंतर होता है ठीक है आप किसी चीज़ के आदि हो जाते हो तो उसको छोड़ना बहुत दिक्कत हो जाती है अगर आप आदतों को अपनी लत आप अपनी आदत को लत में बदल सकते हो बट अपनी लत को अपनी आदत में नहीं बदल सकते हो क्योंकि लत चेंज होगी ही नहीं वो तो और आगे ही जाएगी ठीक है आप अपनी आदत को लत, लत में कन्वर्ट कर लेते हो आपको किसी चीज की धीरे धीरे आदत लगती है फिर आपको लत लग जाती है आप लोग रील्स देखते होंगे उसमें अक्सर ये लाइन आती है एम अडिक्टेड टू उसके बाद आगे का कॉन्सेप्ट चलता है तो वहां पर क्या लगता है टू तो यहाँ पर सेंस क्या बनेगा मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आर एडिक्टेड टू कॉफ़ी लेकिन हैबिट के साथ जो आप यूज़ करोगे वो प्रिपोजिशन होगा ऑफ़ यानी एडिक्शन के साथ आप प्रिपोजिशन यूज़ करते हो टू और हैबिट के साथ आप यूज़ करते होट सेकेंड आप यूज करते हो ऑफ uh, ठीक uh, है पढ़ते पढ़ते लैपटॉप की भी एनर्जी डाउन हो गई थी ठीक है तो बैक टू द पॉइंट मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आर एडिक्टेड टू कॉफ़ी मतलब अगर आप किसी चीज़ के आदि हो गए हो आपको किसी चीज़ की लत लग गई है तो आप वहाँ पर एडिक्ट टू यूज करोगे विद एडिक्शन या एडिक्टेड ठीक है अगर आपको किसी चीज़ की आदत है तो आप वहाँ पर फिक्स्ड प्रिपोजिशन ऑफ यूज करते हो ये था आज का हमारा सेशन जो था प्रिपोजिशन uh, से रिलेटेड आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी प्लीज़ फील फ्री टू ड्रॉप योर कमेंट्स योर कॉमेंट्स मोटिवेट्स एंड प्लीज़ 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 अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप अपना कमेंट डाल सकते हैं कमेंट सेक्शन में आपको जो भी क्लैरिटी चाहिए वो आपको मिल जाएगी तो ये था आज का सेशन और अपने कमेंट्स करते रहिए और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा थैंक यू एंड बाय